रिजा की जो घर में घुसती <laughs> है फ्रिज खोल के आप ही कर लो ये देखो मैं पहले बता दू मुझे बैठने की तमीज मुझे रिजा ने बोला अभी टांगे नहीं देख रही आप लोग मेरे भी ऊपर

तो उसको मैंने बताया रमैसा के साथ है तो उसने बोला अच्छा सही है कह रही लेकिन उससे ना ये सवाल नहीं करना स्टार्ट से किया मैंने कहा भी आते। मैंने कहा मैंने इतने पॉडकास्ट देखे तुम्हारे मुझे याद हो गया रामायसा ने स्टार्ट अच्छा, से से किया पॉडकास्ट कर भी लिया है ना बहुत ज्यादा अब जादा। सब है सब दोस्त सब बुलाते हैं तो मैं कहती हूँ हाँ चलो ठीक है बट मैंने सोचा होता ये तो चलो घर वाली बात है तो रिजा को पहले ही बोल दूंगी मैं टिकॉक जरा दिस वन क्वेश्चन मैंने मतलब मैं ऐसी लेटी थी मैंने कहा चलो लिख लेती हूँ क्वेश्चन आ रहे हैं तो और वो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये नहीं लिखना है कि मुझे पता है लोगों को आपके बारे में पता है आपने कैसे शुरू किया पीपल हैव सीन यू टॉकिंग अबाउट इट कि वही स्क्रैच बट ऑफ कोर्स उन वो जिनके साथ मैंने अभी तक किया ना वो सारे गेस्ट मुझे जानते हैं इतना मतलब वो जाहिर यही पूछेंगे मुझसे ना कि टिकटॉक की जर्नी किए exactly, हाँ. हमारा सीन थोड़ा ये है कि हम पर्सनल बातें कर सकते हैं वहीं हाँ. <laughs> से शुरू करते हैं नहीं 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 डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन जो मेरा था क्या नहीं नहीं याद भी नहीं है मुझे तो मैंने लिख लिए थे बस वैसे ही बट uh, चलो हम, uh, सारी बातें करेंगे विल टॉक अबाउट ठीक है हाउ यू हैव स्टार्टेड पीपल नो आपने uh, जब इस से शुरू किया फिर म्यूजिकली आपने किया जैसे ने वैसे हमारी म्यूजिकली क्वीन हम तो आपकी शागिर्द हैं <laughs> हम तो निजा के शागिर्द शागिर्दे भैया असल तो असल जो गेम है वो रिंजा का है हम तो गॉड oh मैं खुद भी थक गई हूँ ये वाली स्टोरी सुना सुना कि पहले डब स्मैश हुआ करता था ना

लेकिन एक टाइम था फिर म्यूजिकली खत्म हो गया टिकटॉक मैं ही तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूं। <laughs> तुम्हारी वीडियोस बहुत अच्छी होती थी अच्छा जा। जा। आपने <laughs> सेम, 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 सेम। सेम। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम उसके बाद फिर यूट्यूब अब मुझे मैं देखना चाह रहा हूँ तुम्हारी चीजें याद है फिर एक्टिंग फिर फिल्म बस हाँ अभी अब ये बढ़ता रहेगा इन शाह अभी पॉडकास्ट की भी बात कर दी मैं करनी चाहिए मुझे पॉडकास्ट कर लो इनसे ही पूछ लो मैं खुद ही बोलती रहूँगी गैस को तो बोलने दूँगी ना <laughs> अभी भी खुद ही <laughs> बोल रही है शुरू भी खुद ही की है मैं चुप हो जाती हूँ लोग वैसे मुझसे तंग आना शुरू हो गया इफ यू कैन कीप टॉकिंग ऐसा होगा अभी तो हम बातें करेंगे क्या मतलब तो तो लग या सारी तो इंट्रोडक्शन दे दो या तो बंदी मुझे जान से मार देगी कह रही है एक मिनट तक बिना सांस पिए बोलो एक मिनट तक मतलब ऐसे नहीं तो के ये वाला गैप नहीं आना चाहिए ऐसा कुछ करके देखो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा तो नहीं नहीं, तुम, नहीं, तुम कर लेती हो आप सवाल नहीं करो अच्छा। अच्छा नहीं अच्छा ये सेम स्टोरी सुना दो मैं पे वीडियो करके नहीं नहीं यार लोग मैं रोस्ट होती हैं अच्छा एक एक क्वेश्चन मेरे पास था वैसे तो लोगों को तुम्हारे बारे में पता है लाइक यू आर यू आर अ लाइवली पर्सन लोग देखते हैं तुम तो हो गई हमारे एक सर्कल में फ्रेंड सर्कल में यू टू बी वेरी ऑनेस्ट यू एंड लाइबा यू गाइज आर लाइक वेरी लाइवली और अगर दूसरी साइड देखी जाए तो नो बडी नोज अबाउट योर अदर साइड हाउ डू यू डी डी पोर यू मेरे जहाँ मैं शायरिया करूंगी है अब वायरल होगा तुम्हारा पॉट का <laughs> हाँ रजा पता है जिंदगी में ना कभी भी अभी पता है लोग कभी कभी मैं देखती हूँ मुझे समझ में नहीं आती लोग बोल क्या रहे हैं कभी देखा है तुमने पॉडकास्ट के बीच बीच में मैं, मैं वो जाती हूँ जिंदगी में कभी भी दुख तो सबके होते हैं पर हम हंस के क्योंकि मैं हूँ एक जोकर मैं हूँ <laughs> <laughs> ये किसने बोला है? मैं हूँ एक जोकर <laughs> मैंने बोला है नहीं मैं ऐसा कोई जवाब नहीं, अच्छा, नहीं अच्छा अच्छा नहीं फिर मतलब एक, एक बात कर रही हूँ यू नो मैं भी ऐसा ही हूँ लोगों को पता है लेकिन हर किसी का दूसरा साइड भी होता है तुम्हारा नहीं है, है यार <laughs> तुम वो इनसेंसिटिव औरत <laughs> <laughs> नहीं ऐसी बात नहीं है मैं तुमने चार बजे कॉल नहीं की है इसका मतलब ये नहीं इनसेंसिटिव मैंने की है तुमने की है चार बजे कॉल याद है मुझे एक दफा चार बजे तो नहीं थी दो बज रहे थे एक बज रहा था ग्यारह बज रहे थे बजे बजे दो बेटे सो कॉल याद आ गई ना तुम्हें है <laughs> okay, तो एक सबकी दो दो साइड्स होती हैं एंड आई डोंट थिंक सो यू हैव टॉक्ट अबाउट इट बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि मुझे भी मैसेजेस करती हूँ हैव ऑलवेज आड कि आप कैसे डील करती है, mm. इतनी हैं इतनी नेगेटिविटी क्योंकि आप एक्सपोज्ड हैं टू द वर्ल्ड एंड लाइक कुछ हजार कुछ चंद लोग नहीं हैं मिलियंस ऑफ पीपल आर सीइंग यू एंड यू आर गेटिंग नेगेटिव कॉमेंट्स या कुछ भी वट्स hmm. एवर कभी कभी तो एक कॉमेंट भी इतना <coughs> हिट कर जाता है या तो कभी पूरा ट्रोल हो रहे होता है हम और बुरा नहीं लग रहा होता yeah. कि यार बाहर में जाओ तो वो चीज़ लड़कियाँ पूछती हैं कि हाउ डू यू डील विद इट क्योंकि hmm. आज कल आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड इस जनरेशन की लड़की लड़कियाँ दोनों दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एनजाइटी एम वट एवर यू कैन से सैडनेस जिस चीज़ से वो डील नहीं कर पाती सो टेल मी अबाउट यू वो तो एक कोई सनारी हो तो हम बता ही देंगे लेकिन हाउ डू यू डील विथ योर एन्जाइटी बिकॉज आई नो यूर एन एंशियस पर्सन आई नोरी एंशियस पर जितना मैं जानती हूँ को उतना मुझे पता है कि शी एय एंड शी गेट सेंसिटिव सो इजीली चाहे कुछ भी हो नॉट स्पेसिफिकली बट कुछ भी हो किसी फैमिली uh, से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो यू गेट सेंसिटिव वेरी इजीली तो हाउ डू यू डील विद इट यार अगर ना पता है इससे ना मुझे लगता है एज का मेरा, मेरा पर्सनली एज का बड़ा मैटर एज बड़ी मैटर करती है क्योंकि अगर तुम तो मुझसे इस सवाल दो साल पहले पूछती ना ये कभी मैं अपनी मेमोरीज में, में, में भी देखती हूँ hmm. स्टोरी की ना तो मैं ऐसी बातें करती थी कि अरे कुछ नहीं होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ है ये है वो है मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेती थी बड़ी ईजीली मुझे मतलब इट यूज टू बी सो इजी फॉर मी टू मूव ऑन बिकॉज आई यूज टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्राम थिंग्स एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ हो गया आई एम गोइंग थ्रू समथिंग ट आई एल जस्ट गो आउट विद माई फ्रेंड स्पेंड टाइम विद दैम एंड देन आई एम ओके आई एल फो गेट अबाउट इट बट देन अगेन फिर वो उस टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट करते 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 तब तक डिस्ट्रैक्ट करती रहती हूँ जब तक वो एक जो टाइम पीरियड होता है ना आपका सैडनेस का ग्रीफ खराब होता है मतलब वो ग्रीफ का एक टाइम पीरियड होता mm. है वो इसी चीज़ में निकल जाता है कि आई कीप माई सेल्फ इतना बिजी इतना बिजी कि वो निकल जाता है टाइम बट मैंने मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ग्रीव जो आपका ग्रीव है ना उसको करना चाहिए लाइक यू शुड फील सैड एंड यू शुड फील Uh, थिंग्स ठीक well, हाँ. है उसकी वजह से होता क्या है आपका थ्रेश होल्ड ख़त्म होता जा रहा होता है mm. तो आज से दो साल पहले मैं ये करती थी कि आई यूस टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ दोस्तों में घूम रही हूँ फिर रही हूँ और वो जो फीलिंग्स हैं उनको एक्नोलेज नहीं करी एक्सेप्ट mm. नहीं करी uh, कुछ कभी रोस्ट रोस्ट वगैरह भी हो रही हूँ तो बस अपना इंस्टा बंद करके रख दिया कि बस देखना ही नहीं है और ऐसे ऐक करी हूं कि मुझे तो पता ही नहीं है मैंने मतलब तो मुझे नहीं दिख रहा ये सब कोई आके मुझसे बात करे तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे नहीं पता क्या जवाब देना है सो आई स्लीप ऑल्सो अगर मैं सो रही हूँ ना पहली बात तो मैं दिन में कभी भी नहीं होती बहुत रेयरली ऐसा होता है कि तुम मुझे कभी दिन में सोती हुई देखो और मैं हर अपने दोस्त को ही बोलती हूँ कि व्हेनेवर यू सी मी स्लीपिंग दिन में या बहुत ज्यादा लंबा लंबा प्लीज कम टू मी एंड आस्क मी दैट इफ आई एम ओके बिकॉज़ व्हाट आई डू इज आई स्लीप मतलब आई हैव स्lept ऑलमोस्ट 19 आवर्स स्ट्रेट स्ट्रेट अ होल वीक मतलब हर वीक बिकॉज़ आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज 3-4 साल पहले तो मैं ऐसे करती थी कि मैं सोती रहती थी सोती रहती थी तो पता नहीं चलता था बट उससे हुआ ये कि अब जो है ना अब मुझे समझ में आ गई बात कि अच्छा ग्रीव करना चाहिए ये करना चाहिए लेकिन अब ये एक वर्क नहीं कर रहा मेरे लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना hmm. मतलब अब इवन इफ आई एम विद यू गाइस ना तुमने देखा होगा आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट थिंग्स कि नहीं यार ये हो गया ये हो गया मैं डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही होती अपने आप को क्योंकि <coughs>

Yes, ex जो से adult, adult, exactly. मुझे भी यही रियलाइज हुआ कि जब मैं उस टाइम में बच्ची थी वॉज ए टीन एजर तो मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था उस टाइम पे आपको चीज़ें बहुत वो लगती हैं बट सेंस अब आप बड़े हो रहे हैं ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं एंड देन अगेन यू नो यू आप अपनी फ्यूचर देख रहे हो अब आप क्योंकि यू नो इसके बाद अब आपकी मतलब ये जो आपकी चॉइसेस होती है ना ये आपकी पूरी जिंदगी है फिर ये जो पीरियड की चॉइस हैं right. आपकी कि आपको क्या करना है क्या नहीं hmm. करना तो एक मिस्टेक भी ना आपको बहुत बड़ी लगती है बचपन में हाँ. तो आप बोलते हो कि हाँ ठीक है गलती हो गई बचपन बचपन है बट अब आप मेच्योर हो चुके हो अब कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि तुमसे गलती हो गई है यू you नो know? अब लोग आपको बहुत जज करेंगे क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो तो इट्स लाइक अ लॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरी थिंग बट अगेन आई एम आई एम आई वुड से कि दो साल पहले मैं ये बात करती पर अब मैं ये बात बोलूँगी कि आई गेस आई एम नॉट दैट गुड विद डीलिंग थिंग्स अब जाके बट uh, मैं ट्राई कर रही हूँ टू बी be बेटर Um, मैंने बहुत बार कोशिश की कि ओ आई शुड यू नो टेक थेरेपीज़ और मैं किसी साइकेट्रिस्ट uh, से बात कर लूँ कि वाई इज़ इट हैपनिंग टू मी ये क्यों हो रहा है ये पहले तो नहीं होता था लाइक सिंस वन एंड अ हाफ ईयर आई हैव बिन डीलिंग विद एन्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स के मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बस फजूल की किसी भी बात ने मुझे ट्रिगर कर दिया है या अगर मुझे किसी ने रॉन्ग uh, नंबर से मुझे कॉल आ रही है तो मुझे पैनिक का आना शुरू हो जाएगा oh. कि ये कौन मुझे कॉल कर है क्यों कर रहा है मुझे कॉल यू नो मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ के हम फेमस भी हो गई मे बी हाँ huh? चीज़ें बिल्डअप भी हो गई ऑलरेडी पहले से बिल्डअप uh, भी लाएं? हो गई प्लस uh, मुझे लगता है कि फेम इज़ अ करच एंड अ ब्लेसिंग ठीक है uh, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि दिस इज़ माय चॉइस दिस मैंने अपनी लाइफ ऐसे चूज किया एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट आई डोंट रिग्रेट इट अलहमदुल्ला पीपल लव मी देर आर पीपल हु लव मी एंड दे लव माय कंटेंट एंड आई एम मेकिंग इट फॉर देम बट ऑफ कोर्स इसकी कर्स अगर मैं कहूँ तो वो इस चीज़ों को लेकर कि आप थोड़ा uh, बहुत ज़्यादा अपने अंदर अपने इमोशंस रखना शुरू कर mm. देते हो बिकॉज यू कैन नॉट गो एंड टेल एवरी वन फिर yeah, कि मैं अपनी स्टोरी पे बैठ के नहीं बोल सकती अच्छा बी हो गया बी हो, हो गया बी हो गया बी हो गया यू नो तो इसलिए ना फिर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझे सिर्फ ये भी बोल दिया ना कि तुमसे एक बात करनी है मैं बोलूँगी अभी बताओ और बताओ, बताओ अभी बताओ है ना मेरी मौत हो जाएगी ठीक है मतलब मेरी एक्चुअली मौत हो जाएगी मैं हेवी ब्रीथ हो जाएगा एंड आई बी लाइक बहुत एक्सट्रीम फिर उसके बाद खैर ये ये चीज़ हो रही थी मुझे चार महीने पहले तक कि मुझे पता नहीं कि वो छोटी छोटी बात है ना कुछ कोई बिला वजह मुझे किसी से शिप कर रहा है तो मुझे ट्रिगर कर रहा है उस वजह से मैं मतलब I was feeling sad कि मैंने अगर कुछ किया हो ना फिर हो रहा हो तो समझ में exactly. कुछ नहीं किया and still if people are making stories about me कुछ भी तो मुझे होता है यार मेरी फ्यूचर लाइफ का क्या फिर मतलब इफ I am तो रह जाएगा, हाँ मतलब अब अब फॉर एक्जाम्पल मैंने आगे शादी करनी है या hmm. मैंने अपनी फैमिली उनको मैं बैठ के एक्सप्लेन करूँगी कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं था ये तो ऐसे exactly. था ये तो लोगों ने ऐसे बोला था So I feel like that and again I'm not complaining. I know I have chosen this life life for me, and I hope my future partner will understand that. But uh, again, for this I'm more Yes. He तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज्यादा ट्रिगर करने लगी चीज़ें बट देन आई फिगर डाउट आहिस्ता आहिस्ताईवर थिंकिंग ओवर लाइक लाइक मैं बहुत एक्सट्रीम के मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं भी होता ना तो मैं बहुत एक्सट्रीम सोच रही हूँ जस्ट बिकॉज गेट हर्ट जस्ट टू प्रोटेक्ट माई लाइक फॉर एक्जाम्पल अगर तुमने मुझे बोला ना कि यार अभी मुझे तुमसे बात नहीं करनी ठीक है hmm. मैं सोचूंगी कि ओके okay, रिजा शायद ना कुछ बहुत बुरा हो गया है और रिजा अब मुझसे ज़िंदगी भर बात नहीं करेगी और यू नो द वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लिए कि ये भी हो सकता है कि रिजा को शायद अब मुझसे नफरत है या हुआ कुछ नहीं होगा मे बी यू आर जस्ट अपसेट फॉर टू मिनट्स एंड आई जस्ट मीट दिस स्टोरी बिग स्टोरी के ओके okay, Uh, लोगों को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है ठीक है यू ओनली कैन कंट्रोल योर सेल्फ योर फीलिंग्स योर इमोशंस सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ के अगर कोई कुछ कह रहा है अगर ये भी कोई कुछ कह रहा है ना कि तुमसे एक बात करनी है बोलो हाँ ओके okay. जब करनी हो टेल मी आई डोंट टू थिंक अबाउट इट ठीक वेल फॉर मी काफी तो, ती, दो तीन महीने से अब आई एम बिन लाइक थोड़ा बेटर बट अभी भी है तो मैं ये कहूँगी कि मैं ही क्या किसी को बोलूँगी कैसे डील करना है आई इज स्ट्रगलिंग विद नहीं इट्स लाइक यू यू जस्ट टेल योर एक्सपीरियंस ना कि हाउ यू डीलिंग लाइक हाँ मैन अब जैसे तो यू आर टेलिंग के चार महीने से आई एम ट्राइंग आई एम वर्किंग ऑन इट बेहतर हुआ है मेरे पैनिक अटैक्स खत्म हुए हैं कम हुए हैं या हुआ. अब मैं ओवर थिंकिंग इतना नहीं करती तो इट जस्ट हेल्प्स इट हेल्प्स पीपल कि वो अब जो लड़कियाँ सुन रही होंगी तो हो सकता है वो सेम चीज़ उनके साथ भी हो रही हो वो ये रख के सोचेंगे अच्छा ये सेम चीज़ तो से के साथ भी हुई है तो नाउ आई मीन मतलब इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं कोई फेमस uh, या मैं कोई पब्लिक फिगर हूँ तो इसलिए मेरे मेरे साथ ये हो रहा है या तुम्हारे साथ ये हो रहा है मे बी शायद मैं ना होती तब भी मेरे साथ हो रहा होता एंड आर ऑफ गर्ल्स गोइंग थ्रू इट बिकॉज ये शायद uh, मुझे लगता है कि मे बी यूजली शायद ये तब होता है वेन यू गिव ऑल ऑफ़ योर सेल्फ Uh, किसी भी चीज़ में mm -hmm. चाहे वो चीज़ हो इंसान हो किसी भी चीज़ हो यू नीड टू कीप थोड़ा सा अपने पास लाइक like, आपका जो ल्फ uh, yeah, तो yeah. आई मुझे समझाने <laughs> आ रही है जो आपकी हाँ. दो ना वो आपको अपने पास सीखना हाँ. पड़ता है यू शुडेंट गिव ये हर किसी को या किसी भी चीज़ भी काम एग्जैक्टली अभी काम भी क्यों ना हो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इंटरनेट या सोशल मीडिया है तो अगर इफ आई नीड अ ब्रेक आई नीड अ ब्रेक आई डोंट केयर इफ आई कैन नॉट फंक्शन राइट नाउ आई नीड टू प्रायरटाइज माई सेल्फ यू नो तो ये बहुत मैटर करता है तो इवन इफ इट्स विद अ पर्सन और अ वर्क और एनी थिंग अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू एनजी गिव लाइक ब्रेक एंड थिंक अबाउट इट प्रोसेस इट थिंक अबाउट इट प्रोसेस इट के क्या जो मैं इतना ज्यादा सोच रही हूँ इस बाद Is में it जब worth it. हाँ इट्स नॉट वर्थ इट क्योंकि बाद में हो सकता है ऐसा कुछ हो भी ना exactly. मतलब उस टाइम पे अगर चलो हो भी जाए तो वो मैंने अलग दुख बर्दाश्त किया और उससे पहले के जो मैंने इतना ओवर की वो मैंने अलग बर्दाश्त किया तो मैंने तो अपना पेन डबल कर लिया right. तो जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे, बारे में मत सोचो जब होगी तब देखा जाएगा देखा जाएगा ये देखेंगे <laughs> तो ये मुझे रियलाइज हुआ बट वो यही बात है कि जस्ट थोड़ा सा अपने आप को प्रायरिटाइज हम लड़कियां नहीं करती एज कम्पेयर टू आई फील लाइक लड़के भी ऐसा करते होंगे आई डोंट नो बट लड़कियों का बहुत है वो दे आर टू सेल्फलेस मतलब हमने अपनी अम्मियों को भी देखा है हाँ, की वजह से ही है ये वुमेन के अंदर लाइक नेचर है हाँ, कि दे आर टू सेल्फलेस मतलब अच्छा मेरा बच्चा वो खाना है मैं अपने उसको दे दू बेटे को दे दू बेटी को दे दू मैं तो यू नो ये वुमेन के अंदर इन होता है तो वी डू देट अलाउट देखे ये सब चीजें बड़े हो रहे हैं तो हमारे अंदर भी ये चीजें हाँ. हैं बहुत कम लड़कियां हैं हैं वैसे भी भी, जो के अपने बारे में सोचती सोचा चाहिए मुझे लगता है कि तो चाहिए। चाहिए। आप selfless हो रहे हो और फिर आप कंप्लेन भी कर रहे हो कि क्योंकि आप खुद अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे डूइंग फॉर टू और जो लड़कियां जो सेल्फिश हैं अभी भी हमारी हमारी सोसाइटी में वी कैन आई हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ मी आई वो ऑफिस नेम दैम बट दे आर सेल्फिश तो मैं उनको देखती हूँ वो है दे आर सेल्फिश बट समेर समवेयर दे आर डूइंग फॉर देयर सेल्फ ना तो वो बात पता है क्या हर चीज़ का जरूरत से ज़्यादा वो बुरा होता है यू नीट

आपको चीज़ों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है यू यूनीट अच्छी बात है कोई बंदा सेल्फलेस है इट्स अमेजिंग बट फिर इतना भी नहीं कि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेना mm. शुरू कर दे ठीक है फिर यू जस्ट टेक स्टैंड फॉर यूर सेल्फ ओके लिसन यू कैन नॉट डू दिस टू मी ठीक है आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ आई नो आई एम बींग वेरी सेल्फ राइट नो बट यू नीड टू अप्रिशिएट इन इंस्टेट ऑफ यू नो जस्ट टेकिंग दिस थिंग फॉर ग्रांटेड तो फिर वो बुरा बुरा हो जाता है mm. तो अगर आप स्टैंड ले रहे हो गुड है आप करो सेल्फलेस अब बट आई एम दैट कैन ऑफ पर्सन आई एम आई एम सेल्फलेस आई बिलीव आई ट्राई माई बेस्ट टू डू थिंग्स फॉर अदर पीपल लाइक अपने सिर्फ जितना मुझसे हो सकता है उतना बट अगेन इफ आई सी दैट सममन इज यू नो टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड तो आई टेक स्टैंड आई मैं बोलती हूँ आप फिर स्विच आएगा मेरा अच्छा, अच्छा लोगों अब लोगों को अब ये तो मेरी सैड ये तो मेरी सैड पार्ट हो गया ना लोगों को बड़ा लगता है हाँ मैं बहुत सेंसिटिव हूँ आई एम वेरी सम आई एम वेरी एनशियस यू हैव सीन मी एंड एवरीथिंग ठीक है मैं चीज़ों को बहुत मैं बहुत मतलब वैन आई लव I I love very hard, but people still don't don't know that one evil Evil side side of me too. You know, I want to hear. You know, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई मेरे ऊपर मैं डोर मैटू और कोई चल के चला जाएगा मैं बोलूँगी हाँ हाँ चलिए चलिए आइए चढ़ जाइए हम पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है boss. I'll टेल यू कि आपकी जगह किधर है ठीक है अल्फाजों को बहुत अच्छे okay, से बहुत अल्फाज़ों ठीक है हाँ आई मीन इफ आई एम लाइक नहीं अल्लाह की कसम hmm. मैंने ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने बहुत सेल्फलेसली लोगों के लिए किया है hmm. बट उसके बाद मैंने yeah, yeah. अगर नहीं है ना इंटरटर्न मैंने उनके साथ बहुत बुरा भी किया है नॉट इन अ सेंस कि मैंने उनको हर्ट किया है मेरा रिवेंज ये होता है दैट यू डोंट एग्जिस्ट टू मी यू जस्ट डोंट एग्जिस्ट टू मी लाइक मतलब आप इनविजिबल हो मेरे लिए आप मेरे सामने भी खड़े हो ना मुझे मैं बिल्कुल हो जाती एंड लोगों को मतलब कैसे कि इज़ के फॉर like, एग्जाम्पल uh, अगर मेरे मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया है और मैं बोलूँ कि अच्छा ठीक है मैं पहली बार जाने भी दूंगी मैं बड़ी इतनी नाइस हूँ कि मैं जाने दूंगी दो बार हो गया उसके बाद बोलूंगी ओके नाउ यू डोट एग्जिस्ट टू मी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता एंड वो बंदा फिर मेरे सामने रो भी रहा हो ना लाइक like, रो रो, मेरे पैर भी पकड़ ले और बोले कि नहीं माफ कर दो गलती हो गई है और शायदिया चाप भी कर लेट इजी वर्ड प्रच आई नो हाउ टू प्रच इस के मतलब उसका मतलब डिपेंड कर दे ठीक है तो उसके बाद भी आई एम लाइक नाउ यू आर नॉट दे कुछ भी कर लो I just cannot. Okay. Ha, keep you in my life. And also people usually think I'm a lover. Not gonna keep for like just as friends or. Nothing. फ्रेंड हाँ, है, है ना आपको आप रहो फ्रेंड लेकिन वो वाली फ्रेंड रहूँगी जैसे मैं तुमसे हूँ ठीक mm. है ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने साथ बहुत बुरा कर दिया है यूडन एक्सपेक्ट मी की ठीक है मैं तुमसे मिलूंगी हाई हैलो अल्लाफिज बा इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली mm. फिर तो ये ये लोग को लगता है की ओके okay, हाँ वेरी स्वीट तो मे बी दे कैन मैं क्योंकि मैं बहुत फ्रेंडली भी हूँ तो अच्छा ये तो ईजी है इतनी ईजी नहीं हूँ मैं आई नो हाउ टू आई नो दे I know, thanks. So please don't do that to me. ये होना चाहिए सबका evil side और जो लड़कियाँ समझ जाएँ ना it's better not, for them. It's not evil. It's just I, I'm it's, strong. ठीक okay, है? I'm strong. That, I can. Yeah. I'm strong and uh, I wouldn't let anyone do wrong to me. ठीक okay? है? Even if you do, that's your loss, not mine. ठीक okay? है? I'll make sure कि तो मैं अपनी तुम्हारी जगह पे पहुँचा दूँ चाहे लड़की हो लड़का हो कोई भी हो. Uh, कोई वर्क क्लीक हो या जो भी हो तो मुझे अगर गलत लगेगा मैं तो नहीं अच्छा एक ये एक ये वाली चीज़ तो हम सब ने फेस करी है बट हाउ अबाउट यू दैट यू वर वन यू आर बिकमिंग फेमस तो तुम आई थिंक यूनिवर्सिटी में थी राइट right? तो पीपल ऑब्वियसली समेर यूज यू या किसी कोई फ्रेंड है नॉर्मल फ्रेंड है बट ही और शी वॉन्ट्स टू यूज यू फॉर समथिंग ठीक है yeah. या कहीं से सुनने में मिल रहा है हुँ. अच्छा ये जो काम हुआ था इतने प्यार से बटर लगा के ये इस तरह हुआ था ये इसलिए हुआ था एंड नाउ शी इज नॉट इवन कंसिडरिंग और ही इज़ नॉट इवन कंसिडरिंग इट कि मैंने कितने दिल से किया एक वो होता ना कि आपका नाम समझ गई कि लकीली आई डोंट नो इफ इट्स विद एवरी वन बट मुझे ना फॉरन से पता चल जाता है इफ़ नो ट्राइंग टू बी

आई एम नॉट जजिंग एनी वन यू शूड गो बट आई एम टेलिंग यू बी थोड़ा सा केयरफुल और इन दी एंड वो होता था really? पता नहीं कैसे नहीं अफकोर्स just... <laughs> 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 हमेशा सही नहीं होती जजमेंट अफकोर्स लाइक थोड़ा सा ना एक सिक्स सेंस काम कर जाता मेरा तो uh, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं पीपल ट्राइड एक दो दफ़ा हुआ और हुआ भी लेकिन वो मैंने वो मुझे पता होता था मुझे फील होता था यूज कर रहा था देखो आप प्यार से बोलो तो वो अलग बात है If you want something from me, I will do it for you. But no, if a story When I was in university, so there was this my friend mm -hmm. and manager uh, he was just okay okayish with me, but then when I got famous, now, so he just got really sweet and everything. Uh, he was also in acting. So, I just told him that, yeah, you should go for it. I am someone who motivates my friend care. you should go it. But he said, yeah, but I just need someone to push me. I just want a stair. You know, I just want someone. I want a Me? सीढ़ी मैं मैं <laughs> मैं सीढ़ी बनू तेल <laughs> बेटा इतनी तो अच्छी नहीं हूँ मैं ठीक है तो मैंने कहा भी बन जाओ आ हाँ? जाओ।, जाओ।, जाओ नहीं मैंने कहा हाँ हाँ मिलेगी ना सीढ़ी जाओ ढूंढो I am not <laughs> that. Sorry. तो <laughs> so, I just knew what he was doing. So it was funny to me. Or

I'm back in the car. <laughs> मैं मैं चली चली गई गई अभी अभी नहीं इतना फनी क्योंकि मुझे पता था लेकिन उस में चली <laughs> यार so people do हाँ, तो मे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है लेकिन मुझे ऐसा होता है कि अगर आप मेरे मुंह पे बोल दो भाई ये चाहिए यार डोंट बी ओवर स्वीट विद मी आपने काम चाहिए आपने काम निकलवाना आप बोल दो मुंह पे आप स्वीट बन oh. के जो आप नहीं तुम ये तुम मुझे दोस्त नहीं हो। मेरी आती है कि आप करते हो, क्या, क्या, क्या यार, तुम तो भूल गए हाँ, तो exactly हो हमें हो हो, अब, अब तो तुम तो मुंह नहीं लगाती है हमें हाँ. ये नहीं करती मैंने कहा अच्छा हमारा अच्छा यार बेचारा नहीं, नहीं, नहीं सॉरी बिजी अच्छा यार सुनो वो जो अपना किसी बात से आ जाते ये करने की क्या जरूरत मैं बहुत ब्लाइंड टू

उनको भी बोलते हो ah, <laughs> <laughs> तो मैं मैं तो ऐसा हो चुका है कि लोग गए मेरे पास ऐसे तो बोला कि की ah, गायब हो ये वो तो मैंने डायरेक्ट अगली बात बोली क्या हुआ कोई काम है ओके या आई सेड मैंने कहा क्या हुआ कोई काम है दे गेट सो ऑफेंडेड कि ओ माय गॉड हम तो बस हाई करने आए थे ये करने आए थे मैंने कहा बेटा चलो शाबाश जल्दी जल्दी काम बोलो और फिर काम होता है और वो क्वेश्चन भी ऐसे ही है ताकि yeah. लोग जो डील कर रहे हैं ऑलरेडी एंड देर आर पीपल नए नए इन्फ्लु आ रहे हैं uh, सीधी बात है आफ्टर एक्सपीरियंस कितना ज्यादा मुझे समझ में आ गया है यू डू थिंगस फॉर सम के लिए भी करता हो ठीक है आपको दिखता हो कि आप वो भी आप अंदाज exactly. सामने से आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं ओनली देन अदर देन दैट ठीक है आई कैन हेल्प इफ़ आई सी कि समन इज एक्चुअली यू नो इन नीड ओके आई गेट इट बट अगर आप बार 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 कर रहे हो ये तो फिर आई फील लाइक योर यूजिंग मी सिमिलरली दे फ्रेंड्स यू नो जो कि आप मतलब आई एम नॉट किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ कभी कभार लोग होते हैं जो कि इन नीड होते हैं मनी के एंड स्टाफ ठीक है दे आस्क फ्रेंड्स के अच्छा यू नो मुझे पैसे दे दो एक बार हो जाता है ठीक है आप दे देते हो फिर दो बार हो जाता जाते हुआ हाँ अच्छा मेरे साथ हुआ है बट आई स्टॉप एक बार के बाद आई स्टॉप के नो नाउ यू आर मिस मी अगर मतलब एक बार तो चलो हो गया ना ठीक है अब आपको आदत लग गई है इस चीज़ की यू नो you know, पैसे मांगने की yeah. अब के पे मैं सुनने को मिला था कि उसने उससे तो भी मांगे उससे भी मांगे उससे भी मांगे उससे भी, भी, भी मांगे और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है तो oh. हाँ मैं फ्रेंड्स uh, दो तीन जो मैंने देखा था तो मुझे रियलाइज तो हुआ कि अच्छा अब इनको आदत लग गई है अब इनको मिल रहा है ऐसे सो दे आर नॉट वर्किंग फॉर इट बट वी आर वर्किंग फॉर इट वी आर वर्किंग फॉर इट तो यू हैव टू तो आई ऑलवेज मोटिवेट पीपल टू वर्क फॉर योर ठीक है बिकॉज ऑनेस्टली मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आई बिलीव इन मैं ये नहीं कह रही किसी और का पैसा खाना है आई एम सेंग कि अपना पैसा कमाना है एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट आई एम नॉट गोइंग ऑल गूगू का लाइक like, पूरा पागल नहीं हो रही है अबाउट माई मनी बट देर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आप इतना अर्न कर सको कि दैट यू कैन यू नो अभी हालात ऐसे हैं यू हैव टू वर्क हार्ड तो जब सब कर रहे हैं तो why, आपके पास why भी और you? जब के पास उनके पास भी मैं उनको नहीं कह रही कि जिनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है दैट मेक सेंस बट आपके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं ठीक है थीके? आप सेम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो आप बट देन अगेन यू आर मेकिंग सेम एक्सक्यूज कि अच्छा अभी मेरे साथ ये हो गया था वो हो गया था माई फादर डाइड फोर ईयर्स बैक मैंने तो कभी बार बार इस बात को नहीं बोला कि मेरे पापा नहीं है मेरे पापा नहीं है मुझे पैसे दे दो बट पीपल डू देट आई हेव सीन अलॉर्ट ऑफ पीपल डूइंगील एक इट्स रॉन्ग डोंट मेक थिंग्स मतलब आप ठीक है होता है बुरा होता है बट देन यू पास थ्रू एंड एंड यू वर्क ऑन इट आप हाथ पैर हिलाते हो तो गॉड मेक यू नो वर्क थिंग्स फॉर यू राइट तभी आपके लिए होता है आप सिर्फ बैठ के ये नहीं बोल सकते हाँ मैं बिजनेस खोलूँगा हाँ मैं अभी सोच रही जो तुम घर पे सोचो बोल रही थी मैं पॉडकास्ट करूँगी अब एक साल हो गया पॉडकास्ट करूँगा अरे मेरा तो मेरा प्लान फिट है भाई मैं तो पैसे कमाऊँगी <laughs> अबे कब होगा <laughs> कब होगा सो आई पर्सनली आई लाइक पीपल हु आर एम्बिशियस ठीक है होना बुरा नहीं है यार न, अच्छा है और ना होना इस बुरा है मुझे ऐसा लगता है हाँ। ना ये तो, ये तो मैंने किसी रोमैसा की किसी पॉडकास्ट में सुना था किसी ने क्वेश्चन किया था वॉट यू लाइक इन गाइज और इन एनी

एंड यू नीड टू हैव एक गोल क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किधर आपका कोई गोल ही नहीं है तो फिर आप पता है किन चीजों पे फोकस करोगे छोटी छोटी फजूल चीज़ों पे लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं फारि ना तो बोलूँगी रिजा ने बाल ऐसे क्यों बनाया रिजा ऐसे क्यों देखती है मेरे पास नहीं तो मैं तभी जो ऐसे कॉमेंट्स पास करते हैं ना आप पे हेट कॉमेंट्स मेरे दिल में यही आता है अगर कॉमेंट भी पढ़ लिया है तो बहुत मुश्किल से वक्त मिला भी और आपको लिखने में भी टाइम नहीं लगा आप नोटिस because... करना कि यूजुअली uh, uh, जब फॉर एग्जांपल जब वो हुआ था कोविड uh, आया था तो लोगों के रेट बढ़ गए थे लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी बिकॉज वो लोग फारे थे तो द यूज़ टू फॉर हमारी ह्यूमन नेचर है वी पिक अप थिंग्स लाइक कुछ ड्रामा चाहिए होता है लाइफ में ठीक है so mm. तो वॉट वी डू इज़ वी जस्ट फाइट फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स अच्छा तुमने ये किया तुमने वो किया तुमने ये किया क्योंकि आपके पास कुछ करने को नहीं है तो mm. कुछ तो करोगे ना तो यू जस्ट फाइट सो इट्स बेटर टू हैव अगर आप नहीं मैं ये नहीं कह रही कि, कि कोई एम्बिशन यही होना है कि आपने बाहर जाके जॉब करनी मे बी यू आर जस्ट डूइंग फॉर योर सेल्फ मे बी यूर गोइंग टू हैव योर अल्फाज है सो या गाय लाइक

एवरी वर्क इज़ डिफरेंट एंड हार्ड Whatever we are doing right now, लोगों को बहुत ईजी लगता है समटाइम्स मुझे मैसे यू वॉन्ट इमेजिन मुझे ऐसे ऐसे पहने का हुए ना कभी कभी क्योंकि मैं बोलती हूँ मुझे कुछ ही नहीं चाहिए जस्ट दूर ले जाओ मोबाइल वोबाइल सब दूर ले जाओ मुझसे हो नहीं रहा है मैं नहीं कर सकती उनके लिए बहुत आसान है एक बीस सेकेंड की रील देखना विच दे थिंक इट इज़ ईजी क्या किया है आपने

मैंने देखा हाँ था तुम्हारी स्टोरीज पे यू नो आई समटाइम्स आई रियली रिग्रेटेड कि मैंने कहा कि यार मतलब यू एज ए ह्यूमन बीइंग यू नीड रेस्ट यू आर नॉट अ मशीन ये वही वाली एग्जांपल है जो तुमने फर्स्ट पे दी थी कि आप अ मशीन नहीं चीज को ज्यादा भी ना दे दो ये मैंने ये किया ना आई लिटरली मतलब काम किया जा रही किया किए जा रही हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज होने लगा कि मैं अपने आप को शीशे में देख के बोल रही थी कि ब्रो ये कौन है तो मुझे ना एडीएचडी पता चला और इसके सारे सिम्टम्स मुझसे थे तो मैंने ना टेस्ट लिया है ए okay. और मुझे पता चला मुझे एक्सट्रीम लेवल ए है रियली really? <laughs> तो क्या होता है सिम्ट बेसिकली क्या एकदम से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हो okay. और आप जब कॉन्वर्जेशन करते हो तो आपको होता है कि आप सामने वाली की बात करना चाहते हो और आ, आपका फोकस और टेंशन स्पेन इतना छोटा होता है मेरा एग्जैक्टली exactly बहुत छोटा है मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वहां जाऊंगी ना तुमने मुझे बोला वहाँ से पानी दे के वहाँ भूल जाऊंगी तुमने मुझसे क्या मांगा था बहुत बुरा है और मैं चीजें घुमा देती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा हर हर टाइम आई कैन नॉट मेरी मम्मा को लगता है मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ बट मुझसे नहीं संभलती चीज़ें मतलब अगर मेरे हाथ में चार चीज़ें मैं घर जाऊँगी तो दो बचेंगी ठीक है तो मतलब वो दो पता नहीं मुझे कहाँ हैं आई डोंट नो इट्स नॉर्मल और नॉट बट मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें होती है मेरे साथ भी मतलब हाँ बात कर पता नहीं बोलती आप ही बात करने दो पहले मुझे बताने तो मैं बात भूल जाऊंगी ये वाली मुझे ये वाली बात करने दो है हाँ ना तो ये सब हाँ पता नहीं I don't know, I don't... और एक्साइटेड तो मैं नहीं होती लेकिन वो तो मैं होती हूँ हाँ। रहती हाँ। 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 अच्छा आ... मैं भूल गई फिर <laughs> हम बात कर रहे थे काम के ऊपर exactly. मुझे रिग्रेट हुआ कि इतना सादा काम करके जो है ना मैंने अपना दिमाग खराब कर दिया है ऐसा नहीं होता बेटा आप शीशे में अपना आप को देखो मैंने पहचानने से कर दिया करना so, like, so yeah, yeah, पड़ता है ना एक दो तीन चार इतने बाल बचे थे बस पे मैजनी चुटिया बनाई एक टूट गया उसने बोला ट्राई <laughs> कर दो <laughs> वो यार तो रोज एक साल मैंने किया वो क्या नाम था सोप अब रोज आपके पास चेट हो रहे हैं और वो बंदा मैं उसको बोलती थी हर हल्के वो ऐसे कर धुआं निकलना मैंने oh कहा तो क्या God कर goodness. रही हो यार हूँ दो मेरे बालों को खुदा का वास्ता है तुमको अच्छा अभी मैं पॉडकास्ट पे आने से पहले ना मैं मतलब तो चली जाती हूँ मैं तो चलो ये शेयर बनवा लें थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आएगा आज मैं गई मैंने कहा यार मैं दिन में हफ्ते में अगर चार वीडियोस भी बना ली तो चार वीडियोस में हो रहा है एक दफ़ा तो hmm. पोनी बना ली लेकिन इतना स्ट्रेटनर हो रहा है कुछ ना कुछ हेयर टू लग रहा है कि मैंने आज कुछ नहीं करवाया मैंने कहा यार प्लीज़ और मैं उस पर ये सोच रही हूँ और उस पर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि

आप होवे ना होवे आपका जिंदगी बर्बाद है ससुरा हमको जीने का ही नहीं है उठा ले रे सोचो सात जन्म सच में होते तो क्या क्यों मैं तो बोलती तो मेरा हो गया अभी बॉस... अभी मतलब मैं सोच रही थी देखो अगर मैं ऑफिस जाती होती ठीक है अभी मेरा एक नाइन टू फाइव जॉब होती ठीक है और अभी चल रही है कोई इन्फेक्शन चल रहा है आंखों में हाँ, सही है है तो नहीं नहीं इन्फेक्शन चल रहा है तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं नाइन टू फाइव जाती होती मैं चश्मा लगा के चले जाती हूँ वॉट इफ अब मैं पब्लिक फिगर हूँ वीडियो बनानी है वीडियो बनानी है अजलान को नहीं देखा था

लगा के जाते थे भाई आपको नॉर्मल चश्मा लगा के मेरे पास एक ही चश्मा था वो था व्हाइट कलर का उसके ऊपर बने हुए थे पता नहीं कुछ गाड़ियाँ लाल रंग की गाड़ियाँ बनी हुई थी और मैं वो लगा के स्कूल जा रही हूँ <rivalry> क्यों आके आई लगा लगा के जा रही तो मेरी टीचर ने बोल दिया कि बेटा कोई चश्मा लेती मैंने कहा मैं बचपन से रही हूँ बॉस मुझे लग रहा है ये गाड़ी वाले चश्मे लगाने की क्या दुख थी अम्मी ने बनाया ऐसी अम्मी ने क्लास एक मेनटेन करके रखी है अल्लाह मुझे माफ करे मैं सलोन गई मैंने वहां ना सब लड़की मुझे उस टाइम पता नहीं था की वह तो मैंने तो जज किया मैंने कहा ये इंडोर कौन चश्मे लगाता है अच्छा ओके okay. मैंने <laughs> जज ज़्च किया पहले मैंने कहा ओह oh, है इंडोर चश्मे लगा फिर मेरी बहन ने बोला वबा आई भी <laughs> जज करना चल जाओ सॉरी माफ़ कर दीजिए मुझका तो मुझे बताओ अभी दो दिन पहले मुझे एक वीडियो आई और उसमें इट वॉज अ स्किन केयर प्रोडक्ट तो उसमें फुल फेस ही दिखाना है ना मुझे हाँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरी वाली आँख स्वेल होने लग गई मैंने कहा बात सुने मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आँख स्वेल हो रही है और मैं नहीं बना सकती वीडियो अब वो वीडियो डिले होती रही जब तक मुझे फील नहीं हुआ कि मेरी एक आंख छोटी बड़ी नहीं लग रही एडिट so कर इज अ डिफरेंस इन द दर्क हमारे पब्लिक फिगर में हमने शक्ल ही दिखानी है और अल्लाह ना करे कुछ हो गया शक्ल के साथ या बालों के साथ तो फिर तो गया काम काम हाँ। तो कर ही नहीं सकते क्या कर सकते स्कार्फ तो नहीं पहन सकते मुँह के लिए क्या करेंगे कितने फिल्टर्स लगा लेंगे तो इट्स डिफरेंट अभी जो तुम बता रही हो कि तुम्हारा तुम ड्रामो में बीस बीस घंटे और मूवी में कितने घंटे मूवी में बीस घंटे तुमने कहा। और हाँ मैं मूवी की बात कर रही थी बल्कि क्या मूवी जब आई तो तुम रिलेट कर सकती हो इन चीज़ों से कि लोगों ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया हो यार उस चीज़ को बरकरार रखना है मूवी आ जाएगी तो क्या करना है मूवी आ जाएगी तो उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है काम तो मैं समझ नहीं आ रही नहीं नहीं मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा अरे यार फर्क नहीं, नहीं <laughs> पड़ता <नहीं> हमको <हुँ> <laughs> कोई फर्क नहीं पड़ता हमको एंजॉय करना है तुमने वाकई मेरी मैं एक इतना डीप क्वेश्चन करना चाह रही हूँ समझ नहीं क्या क्या हाँ तो क्या बोल रही हो उस पर क्या बोला जवाब तुम क्या बोल रही डीप केक मुझे क्या मिलेगा अब मुझे समझ नहीं आने में भूल गई क्या बोल रही थी तुम इतना अब बताओ ना क्या बोल रही थी देखा आपको भी ए डी एच डी है ए डी एच डी प्लस ए डी एच डी एच एच डी कुछ भी रियल जी हमारे तो इनिशियल भी सेम है आर री <laughs> बस okay. okay. प्लीज यार हम डीप बातें करें मुझे एडिट्स बनवाने अपने <laughs> जिंदगी में जब ससुरा एक बार जिंदगी मिला <laughs> मैं चाहती हूँ मेरा एडिट्स बने ना अच्छा तुम अच्छा अब हमने ना अभी कुछ पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले वी डिड ऑफ मिमिक्रीज़

अभी मैं निकालू वो कौन सी है वो जो पर... हाँ। वो बच्चे की निकालू मैं कौन सा अब मुझे देख रहे हैं मुझे एम्बेसमेंट हो रही है <laughs> कहीं ना देख आ रही है सब आगो आगो देख, देख रहे हैं सब <laughs> वो बेचारा नीचे आप देख रहे हैं <laughs> रूम से चल ए, ए, तुम्हारी आंखें आई हैं चश्मे लगा लिए उसने ओके अंकल जी अंकल जी पैदा उस दिन था बाहर और मेरे इतनी सारी चीज खाली मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है <laughs> <laughs> Who is this kid? Who is this kid? I have to heard it somewhere. मैं तो बताती हूँ मैंने देखा था भारती करती थी एक कॉमेडी हाँ, है ना भारती वो तो मैंने बचपन में देखा होगा तो मुझे वो हो गया मैं मैं भूली गई थी करता कौन था मैं मुझे वापस याद आ गया मज़ा क्या लग रही है आवाज़ बहुत और एक और भी तो है वो शीजु की कौन है वो जो अरे डोरेमोन डोरेमोन ओके शिजू का नाम क्या है मुझे वापस कर दो ओ हागे वन होता था बे 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 कोदे के पास देवे वाला टॉय है मुझे भी लाके दो ना ओ गॉड अच्छा वो बोलती है अरे रे मारा दी अभी लाके देती हूं <laughs> आगे मारो मोर ऑफ इट मोर ऑफ इट क्योंकि मैंने देखा है ना वो मैंने तो डोरेमोन देखा ही नहीं है तो मुझे बे 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 रीजा ने लेकिन अभी कोई टैलेंट नहीं है मैं <laughs> तो अच्छा, नहीं, <laughs> मैं, नहीं था था। ये जो है, मैं वो बोलना नहीं चाहती <laughs> क्या है ओके <laughs> okay, बाद में गाड़ी में गाड़ी में लेकिन नहीं फिर भी अभी जो मैं नाम बता रही हूँ वो करना बोल दो जेनिस अरे तो पहले करती तो अगर वो देख रही है तो वो पहले देखती ना चलो करो जेनिस को बता देती ना अब भी लोगों को नहीं बताना ना अब जेनिस ना बहुत जेनेस ऐसा आप लोग जानते होंगे कैचअप

यार बहुत रात हो रही है मम्मी बुला लेंगे अच्छा honestly, हम भी पब्लिक फिगर हम सबके वाले मसले अभी तक है उस दिन यार जल्दी होल्दी पहुंच जाते यार जल्दी पहुंच जाते भाई लेने आएगा जल्दी पहुंच जा मैं प्लान रही थी पूरा एक सेकेंड इसने लोकेशन डाली मेरे घर किसने वो कहीं और के डाली वो करीब था कह रही अभी दस मिनट तो है मैंने कहा थर्टी फाइव मिनट्स हाँ ना थर्टी फाइव और साढ़े ग्यारह हो रहे थे और मेरे दिमाग में था कि भाई क्योंकि मैंने भाई को मैसेज कर दिया था तो मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था कि भाई के आने से पहले फुल प्लान बन रहा था कि भाई के आने से पहले हम घर पहुंच जाएं ताकि भाई को लगे हम साढ़े दस तक आ चुके थे घर पे वापस तो अभी तक हम सबके ही वाले मसले हैं हाँ, मसले तो हैं अम्मी रुकने नहीं देंगी इन्होंने बोला कि स्टे कर लेते मैंने कहा मेरी अम्मा तो नहीं रुकने दें मेरी तो दे देंगी है ना पता नहीं मेरी अम्मा नहीं देंगी चलो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे फिर यस हाँ और मेरी भी कर दो अब तुमने नाम बता बता के करना है तो मेरी भी, हाँ, रिजा का, भी रिजा है। है, रिजा कर रिजा अभी वैसे करके बताइए जो रेबे सोल्यूशन like ये वो वाली दोस्त जिसको आप बोलो ना यार मेरी लड़ाई हो गई बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर दो ब्रेकअप कर दो खत्म कर दो भाड़ में जाए तुम अपने आपको देखो ब्रो यू लुक एट यूर सेल्फ यू लुक एट यू सेल्फ इज लाइक तो अगर इस से फॉर एग्जांपल आप बोलो ना कि यार ये यार इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए मुझे काम के मैंने काम किया इनका क्या कर रहे हो यार दिमाग खराब है क्यों क्या मतलब है क्यों नहीं करेंगे जाओ पैसे मांगो ऐसे कैसे लौ? मैं लेके आती हूँ पैसे <laughs> इसका बस चलिए उसके जेब से पैसे निकाल के वो भी डबल ये मेरा है वाकई में जाओ लेकर आओ क्या, मतलब क्या मतलब है क्या मतलब है अभी मेरे दिमाग में और नाम नहीं आ रहे

और जिलानी भी ऐसे लिखा था वैसे ऐसा मेरा असली नाम जो था वो आए था खैर वो गॉड मुझे बहुत मजा आया था मज़ा थक गई हूँ मतलब मैं हंस हंस के थक गई हूं। <coughs> <laughs> <coughs> मैं सोच रही हूँ को, कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया यू स्नोर रात में सोते हुए या मैं बहुत थक जाती हूँ तब हाँ यू डू पता नहीं मेरे मैंने कहा मैं ही लेना शुरू कर देती हूँ जैचा आपको कैसा लड़का चाहिए क्या आपको लड़का मिल गया है <laughs> ये अच्छा था ये साथ दोनों स्क्रीन पे आना चाहिए चीज <laughs> है बड़ा अच्छा कटेगा मैंने दिमाग में पूरा काट लिया है अच्छा ये यहाँ बाब आएगा ये यहाँ लगेगा यहाँ लगेगा लग लग अंदर का कंटेंट क्रिएटर जा गया मेरा तुम्हारा गिल्टी प्लेजर है गिल्टी प्लेजर हाँ क्या रोमांटिक लव, लव सीरीज कॉमेडी रोमांटिक

हो, तो जाए, हो जाए अभी हो जाए कल जाए। हो जाए परसों हो जाए दो साल बाद हो जाए। बाद हो जाए जाए साल बाद मुझे कोई टेंशन नहीं है शादी क्या है शादी क्या है शादी सब कुछ, सब ससुरा कुछ नहीं है शादी करो जियो मस्त हनी मून पे जाओ घूमो फिरो अभी देखो सारे ससुरा कपल श्रीलंका गए हुए हैं मैच देखने एक ससुरा हम यहाँ कराची मरेजा के साथ बैठे हुए हैं सारी क्या लाइफ है हमारी नहीं नहीं बहुत अच्छी है आई लव यू नहीं नहीं यार मैं मतलब बताती हूँ शादी का सीन ये है कि ना

देखा बहुत अच्छा। <laughs> कौन मिल हमको क्या हुआ रुलाता है तो है तो, प्यार तो बहुत करता है हमसे <laughs> <laughs> ससुरा इतने good. अच्छे हैं वो बहुत प्यारे हैं। ये दाल भी तो खैर <laughs> okay. आप बहुत प्यारे <laughs>

तो तोड़ा है नहीं सोचा क्यों इन दो सेकंड का <laughs> तोड़ा होगा <के राएं। laughs> नहीं बट मैं नहीं हूँ यार आ, मैं बता तो नहीं हूँ ये हाँ तो आप लोगों को बताओ जिनको लगता है भाई मैं बताती हूँ देखो हुँ. अभी अब जाके शायद हाँ मेरा दिल टूट जाए क्योंकि अब मैं उस एज पे आ गई हूँ सीरियस अबाउट इट बट ऑनेस्टली आई आई ऑलवेज बिन अ पर्सन मूव ऑन रियली क्विक लाइक आई बिकॉज मुझे ना स्टार्ट की ट्वेंटी सेकेंड में पता चल चल जाएगा कि ओके okay, ये हमेशा का साथ है ये थोड़ा टाइम का साथ है यू you नो know? hmm. तो मेरे कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आ, पास में ऐसा कुछ मैं, मैं सैड मैं कसम से मेरी सैडनेस अलग लेवल की है वो ये नहीं है ये लड़के हमको नहीं सैड कर सकते हमारी लाइफ में है और बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स तुम क्या ये झिंगूर से लड़कों में फंसे हुए हो ससुरा दुनिया में और भी मसले हैं ऐसे कैसे ऐसे के जैसे कि वो <laughs> वही हाँ वही वही है वो वही है वो <laughs> कुछ यार लोग मुझे गालियाँ देंगे उसके बाद क्यों मुझे देंगे क्यों देंगे किसने दी तुम बताती हूँ मैं, बताती मैं।, मैं कोई दे मैं बताती हूँ नहीं आज़िफ़ आया

पानी भी नहीं आया था बाकी तो तो गला सूख रहा <laughs> है, है अंकल जी अंकल वो बंदा अपने आप को इंटरप्ट करता है बोलते हैं अंकल 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 जी अंकल जी पानी 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 <laughs> इतना कौन देखता है गला यार उससे ज्यादा अच्छी चीज पता है क्या वो आई है गंजी चुड़ैल देखिए तुमने देखिए देख एक गाँव में एक गंजी चुड़ैल रहती थी हाँ, वो पकड़ चुरा के खाने लगी और वो पता नहीं अजीब अजीब स्टोरीज है कि बैट वो आम चला रही थी वाह वाह क्या आम है और गड्ढा खोद के उस आम में रहने लगी फिर बैटमैन आ गया पता नहीं क्या है स्टोरी और एक और एक भी तो थी ना वो बैट पे सबको बेचने लगी बैट को वो बैट गिरने लग लगी मुझे, तो मुझे मजा आता है देखने वो मेरा गिल्टी प्लेजर है ये गिल्टी प्लेजर है आई वॉच पता नहीं उसमें ऐसा क्या होता है ना आई वॉच पूरी वीडियो एंड तक होने गया मेरा गिल्टी प्लेजर भी आजकल यही चल रहा है कि फेसबुक पे आई डोंट नो कहाँ से वीडियोस आ रही है जबकि मैं नहीं रुकती भाई ऐसी वीडियोस पर लेकिन वो स्टार प्लस के ड्रामे गोपी बहु वाले और ए, मैं भी देखती ये और भी प्लेजर और है। और मैं देख रही हूँ अब एक उनकी स्टोरी थी कि वो चार बहुएं थी उन, उनके साथ वो किला हाँ, उनके साथ उनका एक कॉन्टेस्ट चल रहा था तो वो अब मुझे देखना था गोपी बहू का रिजल्ट क्या है तीनों का दिखा दिया गोपी बहू का रिजल्ट नहीं दिखाया पर तुमने जाके YouTube पर सर्च किया नहीं गोपी वह रिजल्ट पे वीडियो खत्म हो गए तो तुमने फिर सर्च किया आगे नहीं अब इतना नहीं किया मैंने मैं कर लेती मैं कर लेती अल्लाह की कसम मुझे लिये लिये इतना काफी था मेरे लिए बहुत पसंद है ये तुम्हारा फेवरेट इंडियन ड्रामा कौन सा था मैंने बहुत इंडियन ड्रामे देखे दिल मिल गए I never मुझे खुशी खुशी वाला ड्रामा जिसमें वही लड़की थी बट इट वॉज माई फेवरेट ड्रामा उसका नाम था इस प्यार को खुशी कुमारी गुप्ता एंड अर्नब सिंह राय दादा और उसका गाना था क्यों खाबो पे तेरे साए है सुने क्यों दिल है तन्हा मेरा Wow. क्यों गाना भी, भी अच्छा, अच्छा गा थी नहीं, नहीं नहीं गाना नहीं गाना था ये क्या है <laughs> नहीं, नहीं, नहीं 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 ये तो हो ही नहीं रहा बॉस ससुरा कल सुबह पता चलेगा हमको वॉशरूम में जाके ये क्या करवा रहे हो तुम यार ये मैं नहीं कर रही यार तो बड़े मजे का गेम है खाना तो नहीं है ना एक क्वेश्चन है व्हाट इज मोर यूजफुल व्हेन इट इज ब्रोकन व्हाट इज मोर यूजफुल व्हेन इट इज ब्रोकन ब्रोकन कौन सी चीज है होना है इस... हाँ। आज ही जवाब देना है नहीं, इसका। बता है. <laughs> <laughs> नहीं खाएगी मैं, नहीं खाएगी। कर ले कर ले कर ले बड़ी बहन का जो बेटा है ना तुम्हारा बिल्कुल डिटो हो तुम दोनों शाहजन और शाहजन को अगर मैं ले को लगेगा मेरा बेटा हाँ आप तो ही मिलता है मेरा बस चलता उसका अडॉप्ट कर आप ही में नहीं मिलता तुम्हारी जितना तुम में मिलता है हां ओके okay. क्योंकि वो मेरे पापा में मिलता है मैं अपने पापा में बहुत मिलती हूं अच्छा एक ऐसा सवाल है जो कि जिससे तुम रिलेट कर सकती हो आई थिंक मैंने पता नहीं किससे किया था ये मैंने मुमना से किया हुआ है पता नहीं तुमने पॉडकास्ट देखा नहीं देखा ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हारी है लेकिन आस तुम्हारे आस पास के जो लोग हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बॉयफ्रेंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड के इस्तेमाल कर मैंने जनरली मेरा बॉयफ्रेंड नहीं जनरली एक जोक मारा अच्छा ओके वेरी फनी फनी था ना देखो लड़की का बॉयफ्रेंड उससे ज्यादा बाकी लोग लड़कियों के इस्तेमाल होता इट वाज अ जोक नॉट माय साला घर पे पहुंच के कत्ल कर दी ओके <laughs> okay, दिखा देना वो कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन दूसरे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते मेरी मुझे <laughs> uh, मेरी है मगर दूसरे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्या बातें कर रही पे <laughs> क्या बोलिए क्या बोलिए जवाब बताइए ना हमको बताओ ना <laughs> ऐसी कौन सी चीज़ है वो मेरी तो है बट दूसरे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मेरा दिल मेरा दिमाग नहीं नहीं है वो <laughs> अच्छा oh. <laughs> बेटा आई एम वेरी इंटेलिजेंट ओके क्या है मेरे पास ऐसा क्या है जो दूसरे लोग ज्यादा आप बताओ भाई माइक वाले भाई बताइए ऑडियो वाले भाई बताइए आप बताओ नहीं दिमाग ना सही बोला ना मैंने नहीं, नहीं नहीं मैंने दिमाग सही बोला था नहीं मेरा है Uh, करीब ही करीब हो तुम अच्छा अगर दिमाग नहीं है दिल नहीं है तो फेफड़े भी नहीं हुए साला क्यों जिनी भी नहीं हुई टांगे हाथ होट आखे बाल कान हाउ कम दे कैन यूज दिस मोर देन यू इडियट Close मैं. <laughs> मैं close पूरी तुम खानी ना आधी काट लो आधी बस तुम्हारा नाम बात भी की थी इस बारे में <laughs>

This वो बड़ी हुई तो रोमैसा को पता चला अरे भाई बोल मुझे नहीं पता बहुत मजा आया मुझे मुझे, 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 मुझे आंसू आ गए क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने सोचे थे ना वो तो नहीं है लेकिन बातों से बातें नहीं बातों से बातें ही थी जा रहे बोलने का

बट like <coughs> he, no, uh, uh, ऐसा लग रहा था ही वॉज प्लेइंग विद माई माइंड हाँ मैं बड़ी नर्वस हो रही थी और उन्होंने मुझे एक बात बोली मेरी नर्वसनेस दूर हो गई मैं डर गई उनसे मैंने मैं कहा ये तो ऐसे वो पार्ट नहीं था उसका, उसका उससे अच्छा। पहले मैं थोड़ा नर्वस हो रही थी उनसे बात करने से हाँ। <coughs> पहले तो मैंने सोचा मैं डिक्शनरी लेके जाऊँ माशा उनकी इंग्लिश मैंने कहा डिक्शनरी खोल के जी जी स्काईपो टोप लिया एक सेकेंड कितना कंफर्टेबल रखा नहीं नहीं उन्होंने भी बड़ा रखा था लेकिन मजाक तुम्हारी बात अलग है तुम्हारी के पैसे दी है के पैसे दिए पैसे पैसे थे बजट थालो मोमिना हेलो मोमिना कितने चार्ज किए थे राइट उनसे पूछा जो आ चुके हैं <laughs> Oh, it was fun. Thank you. Oh, Thank it's you for mazaya. having me. I enjoyed a lot, of course. like, my podcast. Do subscribe, like, like share, comment, comment because Rija is, very, Rija is very talented and I have been adoring her like since 20, <coughs> uh, 16, 20 16, 20 2016. 2016, I said. Yeah. 2016. <laughs> yeah. yeah. 2016. And uh, she's a wonderful woman and I always enjoy having, uh, you know, this. Company. It's like a me time yeah, for me whenever i'm talking to her every time <coughs> every i time. never thought that i can gel in with you this much like start mein jab bhi hum mile i never thought that hamari itni achi dosti ho sakti mm -hmm. but since we have been like meeting a lot teen char meetups i realized that we can actually ah. have a very good conversations whenever we yeah, had it we i actually mera mind fresh ho jata tha and i was like okay i can recently say anything recently hame pata laga ye ek do saal pehle hi ek do saal pehle nahi mujhe literally abhi is saal pata chala is saal jabki pehle hum mile but i always thought there was this barrier like you know

वरना मतलब होता, होता नहीं है कंटेंट कॉन्टेंट मैंने बड़ा सुना exactly. है वगैरह पर कराची में नहीं है बॉस कराची, कराची में नहीं है क्या नहीं है पॉलिटिक्स नहीं, नहीं है यूनिटी नहीं है लिसन नो 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 आप मेरी बात नॉट सीन यूनिटी इन कराची में ज्यादा यूनिटी है एम नो ऑफेंस टू एनी वन बट आई फील लाइक जब आप बहुत ज्यादा एक दूसरे में घुस जाते हो ना मेरा ना एक बड़ा एक ही रहा है मैं लास्ट बात खत्म करूँगी करूंगी फंडर है यू आर फ्रेंड्स शर्ट नीट ना यू शुड मीट यू शुड बी देयर फॉर दम बट इतना मत घुस जाओ

This Maybe, is real. Yes. Uh, right. क्योंकि हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं बट ऑल्सो फॉर नॉट के एक दूसरे में बहुत घुसे हुए नहीं है ठीक है वैन दर्सन नीड नीडेड दूसरों को नहीं पता चलेगा कि तुम्हें जब मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे पास दी तो मेरे पास थी किसी को नहीं पता चलेगा यू नो तो इसलिए आई फील लाइक दिस इज रियल ये एक्चुअली रियलिटी है सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहे हम अच्छा, मैंने आज यू नो ठीक है हम भी भी मिलते फॉर फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट था आई हाँ. कल को मेरा कोई काम होगा यू विल कम टू मी द वीडियो वीडियो एंड आल्सो बट इतना मैं तुम्हें अपना का पार्ट भी दे दूंगी. हाँ. Okay. <laughs> 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 बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इट वॉज लवली वैसे तो ऐसे एंड कर रहे हैं जैसे कि पॉडकास्ट नहीं एंड हो रहा है अभी हम बाहर फिर से जा रहे हैं घूमने फिर हाँ तो लेकिन बहुत मज़ा आया आई होप यू गाइज इंजॉय टू प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट एंड शेयर